आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स। सब्जेक्ट का नाम है वो थ्योरी ऑफ मशीन्स है। इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंट्रिफ्यूगल टेंशन। इसमें हम जानेंगे सेंट्रिफ्यूगल टेंशन क्या होता है। सेंट्रिफ्यूगल टेंशन को अगर साधारण शब्द में जाने जाए तो ये होता है, चूंकि बेल्ट जब कंटिन्यू रन करता है, रोटेट होता है पुल्ली पर, तो उसमें कुछ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट के कारण जो उसकी टेंशन में वृद्धि होती है, बढ़ता है दोनों साइड, टाइट साइड और फ्लेक्स साइड से टाइट वृद्धि होती है, जो इनक्रीज होता है, तो उस टेंशन को जो उस टेंशन में जो सेंट्रिपोल फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रिपोल टेंशन बोलते हैं। क्योंकि तो आपको लिखा हुआ है, सिंस द बेल्ट कंटिन्यूसली रन्स ओवर द पुलीज देयरफॉर सम सेंट्रिपोल फोर्स इज कॉज्ड हुज इफेक्ट इज टू इंक्रीज द टेंशन ऑन बोथ ए टाइट एज वेल एज द स्लैक साइड्स। द टेंशन कॉज्ड बाय सेंट्रिपोल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपोल टेंशन। सेंट्रिपोल टेंशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, चूंकि जब बेल्ट कंटिन्यू रोटेशन करता है, कंटिन्यूस मूव करता है जब पुल्ली के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, कुछ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट के कारण उसके जो टेंशन में जो वृद्धि होती है दोनों साइड, टाइट साइड और स्लैक साइड, जो दोनों साइड वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि में जो जो टेंशन लगती है उसमें कुछ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम सेंट्रिफ्यूगल टेंशन बोलते हैं, उसी को हम सेंट्रिफ्यूगल टेंशन कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये जो डायग्राम है ये सेंट्रिफ्यूगल टेंशन का डायग्राम। कंसिडर स्मॉल पोर्शन पी क्यू ऑफ द बेल्ट सस्पेंडिंग एन एंगल डी थीटा इज सेंटर ऑफ पुल्ली एस सोन एन। हमने एक पुल्ली ली है, पुल्ली में हमने जो छोटे स्मॉल पोर्शन लिया हुआ पी और क्यू, उस पर जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो सेंट्रिपोल टेंशन से हम अप्लाई करेंगे, और उसमें जो एंगल लग रहा है वो डी थीटा है। तो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में ये हमारे पास एक्सिस पॉइंट है, ये एक पुल्ली बनी हुई है। इस पुल्ली में हमारे पास एक जो सामने जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रिपोल फोर्स एफ सी, इसको हम एफ सी से नोट करते हैं, सेंट्रिपोल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसके बाद हमारे पास इसमें दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक पी पॉइंट पर और एक क्यू पॉइंट पर। तो पी पॉइंट से जो जाता है वो सेंट्रिपोल फोर्स टेंशन कहलाएगा, और जो क्यू पॉइंट जाएगा वो सेंट्रिपोल टेंशन कहलाएगा। मतलब सेंट्रिपोल जो फोर्स अप्लाई होता है उसके रोटेशन के कारण वो सेंट्रिपोल फोर्स टेंशन जो होता है वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जो एंगल होता है इसके अंदर वो था डी थीटा होता है। ये जो डायग्राम है सेंट्रिपोल टेंशन का डायग्राम है। हमारे पास इसका ये एक्सिस पॉइंट है, इसमें हमारे पास ये सेंट्रिपोल फोर्स एफ सी है एक्सिस में, और यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट से जो टेंशन अप्लाई हो रही है वो टी सी हो रही है सेंट्रिपोल टेंशन, क्यू पॉइंट से जो टेंशन अप्लाई हो रही है वो टी सी हो रही है सेंट्रिपोल टेंशन। ये हमारे पास डी थीटा है एंगल, और एंगल को अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो यहाँ हो जाएगा डी थीटा बाई टू और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा बाई टू। ये होता है सेंट्रिपोल टेंशन का डायग्राम। इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो कि हम इसमें कुछ पोर्शन कंडीशन लेते हैं। तो हमारे पास जो एम होता है वो होता है मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ इन किलोग्राम। एम जो होता है वो बेल्ट का मास होता है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम में। वी होता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आर होता है रेडियस ऑफ द पुल्ली ओवर विच द बेल्ट रन्स इन मीटर जिसकी यूनिट होती है मीटर्स में। आर जो होता है वो पुल्ली का रेडियस होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर। टी सी जो होता है वो होता है सेंट्रिपोल टेंशन एक्टिंग टेंजेंशियली एट पी एंड क्यू इन न्यूटन्स। पी और क्यू पे जो सेंट्रिपोल टेंशन अप्लाई हो रहा है उसको हम टी सी से अप्लाई करेंगे, डिनोटेट करेंगे, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन्स में। वी नोट दैट द लेंथ ऑफ द बेल्ट पी क्यू, पी क्यू के बीच का जो लेंथ अगर हम देखा जाए तो ये होता है हमारे पास आर इंटू डी थीटा, जो रेडियस होता है पुल्ली का और जो स्मॉल एंगल होता है वो रहेगा, तो आर इंटू डी थीटा। अगर हम मास के साथ अप्लाई करें, मास के साथ में, तो मास के साथ में पी क्यू को अप्लाई करें तो आ जाएगा एम इंटू आर इंटू डी थीटा अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रिपोल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेल्ट पी क्यू, तो ये होता है तो हमारे पास जो मास के अकॉर्डिंग जो अप्लाई किया उसके साथ में वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये सेंट्रिपोल फोर्स, क्योंकि एम वी स्क्वायर होता है, हमारे पास आ जाएगा एम इंटू आर इंटू डी थीटा अब वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से आर जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एम इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो आता है एम स्क्वायर एम इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। द सेंट्रिपोल टेंशन टी सी एक्टिंग टेंजेंशियली एट पी एंड क्यू कीप्स द बेल्ट इन इक्विलिब्रियम। जब बेल्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो तो पी और क्यू पॉइंट पे जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वो सेंट्रिपोल टेंशन अप्लाई हो रहा है टी सी। नाउ रिसॉल्विंग द फोर्सेस,
सेंट्रिपुगल फोर्स एंड सेंट्रिपुगल टेंशन हॉरिजॉन्टली एंड इक्वेटिंग दिस सेम एज बिले। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली पोजिशन में लेंगे तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, फोर्स इंटू एंगल रहेगा तो फोर्स हमारे पास टी सी सेंट्रिपुगल टेंशन है जो साइन डी थीटा बाई टू हो जाएगा प्लस टी सी साइन डी थीटा बाई टू इक्वल टू एफ सी हो जाएगा सेंट्रिपुगल टेंशन के बराबर। अब जो एफ सी इसके बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम इंटू डी थीटा इंटू वी स्क्वायर क्योंकि ये एफ सी इक्वल टू ये होता है ये हो जाता है क्योंकि डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, डी थीटा जो है छोटा स्मॉल एंगल है इसलिए हम इसमें हम साइन डी थीटा बाई टू की जगह पे डी थीटा बाई टू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन जो है इसमें डी थीटा बाई साइन डी थीटा बाई टू की जगह पे डी थीटा बाई टू पुट करेंगे तो अगर पुट करते हैं इसमें वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगा टू टी सी डी थीटा बाई टू हो जाएगा इक्वल टू एम थीटा इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा। डी थीटा से डी थी से कैंसिल हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा टी सी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। ये फार्मूला बचेगा जहां पर टी सी होता है जो वो होता है सेंट्रिपुगल टेंशन, एम होता है मास ऑफ द बेल्ट, वी होता है वेलोसिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो दिया है व्हेन द सेंट्रिपुगल टेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट एंड टोटल टेंशन इन द टाइट साइड। अगर हम सेंट्रिपुगल टेंशन अगर हमारे पास दिया हो तो उसके बाद उसमें हमारे पास टाइट साइड की जो टेंशन होगी वो ये होगा टी टी वन इक्वल टू टी वन प्लस टी सी ये फार्मूला रहेगा। अगर सेंट्रिपुगल टेंशन हमको दिया हुआ है उसमें अगर हमको टाइट साइड का टेंशन निकालना है तो हमारे पास होता है टी टी वन इक्वल टू टी वन प्लस टी सी जहाँ पर टी वन जो होगा टी टी वन जो होता है होता है टाइट साइड का टेंशन और टी वन होता है जो वो होता है इनिशियल टेंशन और टी सी होता है सेंट्रिपुगल टेंशन। अगर हमको सिलेक्ट साइड का टेंशन निकालना तो फार्मूला ये हो जाएगा टी टी टू इक्वल टू टी टू प्लस टी सी जहाँ पर टी टू होता है जो वो सिलेक्ट साइड का टेंशन होगा तो टी टू हो जाएगा सेकंड पुल्ली का टेंशन और टी सी होगा सेंट्रिपुगल टेंशन। ये चीज आ जाएगी इसके द्वारा हम दो टेंशन निकाल सकते हैं एक टाइट साइड का टेंशन और एक सिलेक्ट साइड का टेंशन। इसके बाद हमारे पास आता है अगर पावर ट्रांसमिट निकालना है तो पावर ट्रांसमिट के फार्मूला बना सकते हैं पी इक्वल टू टी टी वन माइनस टी टी टू इंटू वी। आपको एक चीज मालूम है अगर टी टी वन रखेंगे तो आ जाएगा टी वन प्लस टी सी ये रख देंगे और टी टी टू रहेगा तो ये रहेगा टी टी टू प्लस टी सी तो टी सी से टी सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा टी वन माइनस टी टू इंटू वी तो ये बन जाएगा पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला। पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला होता है टी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू वी क्योंकि आपको मालूम है पी होता है पावर ट्रांसमिटेड, टी वन होता है फर्स्ट पुल्ली का टेंशन, टी टू होता है सेकंड पुल्ली का टेंशन और वी होता है वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टेंशन के बारे में भी देखें तो रेशियो ऑफ टेंशन का ये बन जाएगा फार्मूला इसके फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2.3 लॉग अगर टी वन निकालेंगे इसमें से टी वन अपॉन टी टू होता है तो यहाँ पर टी सी यहाँ पर पहुंच जाएगा तो माइनस पहुंच जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 2.3 लॉग टी टी वन माइनस टी सी अपॉन टी टी टू माइनस टी सी इक्वल टू म्यू इनटू थीटा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं सेंट्रिपुगल टेंशन के बारे में।